गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो पहला है, कहता है डिनोट वन पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, जैसे कि कार हो गए, डॉग हो गए, मैन हो गए। इधर देख लेते हैं, डिनोट मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, यानी कि एक से दो या दो से अधिक जो होंगे उसे हम प्लूरल नंबर कहेंगे, कार्स, डॉग्स, मैन। तो अब हम देख लेते हैं, कहता है ओनली काउंटेबल नाउन चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म्स एंड अनकाउंटेबल नाउन डोंट चेंज इनटू प्लूरल। तो ये है कि जब भी कोई किसी चीज़ का प्लूरल होगा तो वो किसी ना किसी फॉर्म में काउंटेबल होगा ही, तभी उसका प्लूरल बनेगा। तो पहले किसे बनाते हैं इसे ये हम सीखेंगे, हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। तो पहले आप लोग भी जानते होंगे, एस लगा दिए हो गया प्लूरल। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, एस लगा कर बॉयज हो गए, कैट हो गए और इधर बुक्स हो गए। तो इधर देख लेते हैं, कहता है कि इफ़ इन द एंड ऑफ वर्ड सी एच, मतलब जब सी एच का उच्चारण च हो, एस एच का तालव्य स हो, डबल एस का दंत स हो और स का दंत स हो, या फिर एक्स हो रहने पर, यानी कि किसी शब्द के अंत में ये सब चीज़ें आती हैं, तो उसमें ई एस लगा के हम उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे सी एच पहला था तो सी एच वाला है बेंच, तो यहाँ बेंचेज लिखा है। वहाँ एस एच वाला देखिए ब्रश, ब्रशेज, फिर डबल एस वाला क्लास, क्लासेज, बस एस वाला बसेज और एक्स वाले देखिए बॉक्स, बॉक्सेज। इस तरह से उसके बाद जब सी एच का उच्चारण क आएगा, जैसे कि यहाँ पर है स्टोमक और मोनार्क, तो स्टोमक का हो जाएगा स्टोमक, मतलब सिर्फ एस लगाना, मोनार्क में भी एस लगाना है। फिर देखते हैं जब नाउन के अंत में वाई रहे और वाई से पहले कोई वोवेल रहे, तो देखिए यहाँ पर है की, तो वाई के पहले ई आ रहा है जो कि वोवेल है, और यहाँ डे है टेक, वाई के पहले ए आ रहा है जो कि वोवेल है, तो इसमें हम एस लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे, कीज और डेज। आगे देख लेते हैं हम, अब देखिए आगे क्या है, जब नाउन के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तब हम क्या करेंगे, पहले हम देखे थे वोवेल था, तो वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो वाई हटेगा, उसके जगह पर आई ई एस जुटेगा। तो यहाँ पे देखिए बेबी है, वाई के पहले क्या है एक कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम बोलेंगे बेबीज कर सकते हैं, वाई हटाएँ आई ई एस को जोड़े। यहाँ सी टी है, टी है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसको वाई को हटा कर आई ई एस जोड़ेंगे तो सी टी जो जाएगा। यहाँ लेडी है, तो यहाँ पर भी वाई के पहले डी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ लेडीज यानी कि आई एस जोड़ेंगे, इस तरह से हम बनाएंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जब नाउन के अंत में ओ रहे और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, जैसे कि हीरो, तो उसमें लगाएंगे ई एस, जब कोई कॉन्सोनेंट रहता है आर से ओ से पहले तब हम उसमें लगाएंगे ई एस, हीरोज, पोटैटो यानी कि पोटैटोज, तो ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तब हम ई एस लगा कर उसका बनाएंगे। लेकिन कुछ यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसमें ओ रहता है उससे पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन उसमें सिर्फ एस ही लगते हैं, जैसे फोटो का फोटोज होगा, कैंटो का कैंटोज और पियानो का पियानोज होगा। जब नाउन के अंत में ओ रहे और ओ किससे पहले वोवेल रहे तब क्या करेंगे जी, तब उसमें हम एस लगाएंगे। हाँ, तो पहला देखिए रेडियो में एस लगा हुआ है और बैम्बू में भी एस लगेगा, तो देखिए यहाँ भी ओ से पहले कोई वोवेल आ रहा है और यहाँ भी ओ से पहले कोई वोवेल आ रहा है, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट सेवन, जब नाउन के अंत में एफ या ई एफ ई रहे तब हम क्या करेंगे, तो एफ या ई एफ ई रहे तो हम भी उसको हटाकर भी लिखेंगे, उसके बाद प्लस करके ई एस जोड़ देंगे, जैसे कि वाइप देखिए यहाँ पर क्या है एफ ई है लास्ट में, तो एफ ई को हमने हटाया, फिर वहाँ पर भी लिखा, फिर वहाँ पर ई एस को लिखा। फिर यहाँ पर देखिए उसी तरह है एफ ई लाइफ का, तो एल आई वी ई एस, तो हो गया भी को आई को एफ रहे या फिर एफ ई रहे तो उसको हटाना है, भी लगाना, उसमें ई एस जोड़ना है। तो फिर यहाँ लीफ है,
एल ई ए वी एस लीप कर देना है, फिर यहाँ पर हाल्फ है इसमें भी ई एस भीड़ लगा के कर देना है। फिर देखिए कुछ जो नाउन है उसके आंतरिक वोवल में चेंज करके भी प्लूरल बनाए, मतलब कि कुछ वोवल को एस या ई एस नहीं लगाया जाता, उसके वोवल में कुछ चेंज किया जाता है, जैसे कि मैन का मैन होता है, वुमेन का वुमेन होता है, फुट का फीट होता है, और टूथ का टीथ होता है, माउस का माइस होता है, गूज का गीज होता है। थैंक यू।